हेलो दोस्तों, डोराएमोन को तो आप सबने अपने बचपन में देखा होगा। आखिर हम इस प्यारे नीले रकुन को कैसे भूल सकते हैं भाई? एनिमे वर्ल्ड, रुको, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे जैसे इतने प्यारे रोबोट को नीला रकुन बोलता है, तुझे आज मैं बम से उड़ा दूंगा। नहीं डोराएमोन, ऐसा मत कर, मैं तुझे डोरा केक खिला दूंगा। इतना कह दिया तो छोड़ दिया तुझे। जा, अगली बार ऐसा मत करना, मैं नासा वालों से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मजाक था भाई, मजाक था, ज्यादा सीरियसली मत लेना। हाँ तो खैर, आपने कभी सोचा नोबिता के घर में आखिर सीलिंग फैन क्यों नहीं है? क्या नोबिता की फैमिली गरीब है कि और रीजन है? मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन एक घटिया एनिमे है तो आपको कैसा लगेगा भाई? आपको अजीब लग रहा होगा ना भाई, पर ये सच है। 1973 वाले डोरेमोन को सभी लोग हेट करते थे, यहाँ तक कि फुजिको फुजियो जो डोराएमोन के क्रिएटर हैं वो भी इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे यार क्यों गई, ऐसा क्या था इस डोराएमोन में? आज हम ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स को जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वाले इमेज को देखो, इसमें डोरेमोन एक बम पकड़ा हुआ है। पर एक मिनट, डोरेमोन तो एक चाइल्ड केयर रोबोट है ना, इसके पास बम क्या कर रहा है? तो फैक्ट नंबर 4, MS903 जो डोरेमोन का प्रोडक्शन कोड है। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि MS903 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, डोरेमोन को जिस फैक्ट्री में बनाया गया था ना, उस फैक्ट्री का नाम मात्सुशिबा था, और मात्सुशिबा का शॉर्ट फॉर्म होता है MS, और 903 का मतलब डोरेमोन मात्सुशिबा फैक्ट्री में बनाया गया 903वां रोबोट था, इसीलिए डोरेमोन को MS903 कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी मेरे जैसे डोरेमोन के बहुत बड़े फैन होंगे, पर आपने कभी नोटिस किया नोबिता के घर में तो एक भी सीलिंग फैन नहीं है? आप सब लोग सोचते होंगे यार नोबिता की फैमिली तो बहुत गरीब निकली, एक सीलिंग फैन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप ऐसा ही सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि रियल लाइफ में भी जापान के घरों में सीलिंग फैन बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो जापान में सीलिंग फैन तो खरीदते ही नहीं है, बस इसीलिए यार नोबिता के घर में सीलिंग फैन नहीं है। फैक्ट नंबर 2, ये तो आप सबको पता होगा कि सुनियो के सारे फैमिली मेंबर्स के मुंह टेढ़े हैं, पर आपने नोटिस किया उसके बिल्ली का मुंह भी टेढ़ा है? सच में यार अजीब लॉजिक है। तो खैर, फैक्ट नंबर 1, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डोरेमोन के 1973 वाले एपिसोड को सभी लोग हेट करते थे, पर आपको पता है इसे क्यों हेट किया जाता था? इसे जानने से पहले आपको थोड़े से पास्ट में जाना होगा। 1969 में जब डोरेमोन की शुरुआत एक मांगा के रूप में हुई थी जिसे फुजिको एफ फुजियो ने क्रिएट किया, डोरेमोन की जो मांगा थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते थे। पर जब इसकी एनिमेटेड वर्जन टीवी पे दिखाया जाने लगा तो सभी लोगों ने इसे हेट किया। आप भी उस टाइम के डोरेमोन फैन होते तो आप भी ऐसा ही करते, क्योंकि यार इसने डोरेमोन की बेइज्जती के अलावा तो कोई और काम किया है? मतलब यार आप ऐसे डोरेमोन को देखना चाहोगे जिसमें डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डम दिखाया गया हो और जियान अपने ही डैड को मारता पीटता रहता हो? इसी कारण की वजह से डोरेमोन की ये वाली एनिमेटेड सीरीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और इसे एनिमेट करने वाली कंपनी की ये हालत हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।